आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि एक कॉलम में कितना सीमेंट, सैंड या बालू या एग्रीगेट या वाटर या पानी, कितना एक कॉलम में कितना मटेरियल, कौन सा मटेरियल कितना लगता है, या फिर स्टील या सरिया कितना लगता है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पूरा फुल डिटेल जानेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए या दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आगे। या कितना मटेरियल लगेगा दोस्तों ये आज हम पूरा डिटेल देखेंगे। ये देखिए, ये कॉलम साइज़ है 9 इंच बाय 12 इंच, 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम है और हाइट हमारा 10 फीट है। ये देखिए 10 फीट हाइट है देखिए। और ये RCC ये कॉलम का साइज़ तो आपको बता दिया हूँ दोस्तों कि 9 बाय 12 इंच का है और हाइट है हमारा 10 फुट है। तो कंक्रीट वॉल्यूम अगर हम देखेंगे दोस्तों कि L×B×H होता है, और हम पूरा देखेंगे कि L जो हमारा है 9 इंच है, 9 इंच को हम पहले फिट में बदलेंगे। फिट में अगर चेंज करेंगे तो देखिए 0.9 9 बाई 12 करेंगे तो हमारा 0.75 फिट होगा, और चौड़ाई जो विड्थ होता है B तो वो 12 इंच है, 12 इंच है ये कॉलम साइज़, ये 12 इंच है। तो 12 इंच का 12 बाय 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक फिट आएगा दोस्तों, एक फिट आएगा। और कॉलम का जो हाइट है हमारा दोस्तों ये 10 फीट है, ये 10 फीट है। तो कंक्रीट वॉल्यूम हम निकालेंगे इस कॉलम का, कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है L×B×H। तो हमारा L दिया हुआ है यहाँ पे 0.75, तो 0.75 L, और B हमारा एक फीट है, और उसका H हमारा पिलर का या कॉलम का हाइट हमारा कितना है, 10 फीट है। तो टोटल को गुना करेंगे तो हमारा कितना 7.5 क्यूबिक फीट में हमारा ये कंक्रीट वॉल्यूम निकल गया। अब कंक्रीट का ग्रेड हम कौन सा ग्रेड इस्तेमाल करेंगे, हम देखेंगे कंक्रीट का कौन सा ग्रेड हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम जब भी RCC करेंगे, जब RCC करते हैं तो हम M20 इस्तेमाल करते हैं, M20। तो M20 का रेशियो हमारा ये M20 है, M20 का रेशियो क्या है, 1:1.5:3। ये देखें वन क्या है, ये हमारा सीमेंट है, और ये 1.5 क्या है, ये सीमेंट है, सैंड, और ये 3 क्या है हमारा, एग्रीगेट है। तो अब इस टोटल को जोड़ेंगे, 1 + 1.5 + 3 तो टोटल करेंगे कितना होगा, 5.5 पार्ट्स हुआ हमारा। अब हम इसको निकालेंगे कि कंक्रीट ड्राई वॉल्यूम क्या इस 54% मोर देन वेट वॉल्यूम। ये अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है दोस्तों कि जब भी हम जो मिक्सर मशीन में जब मसाला तैयार करते हैं तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और उसमें क्या पानी मिलाते हैं, तो पानी मिलाने के बाद जो बनता है वो हमारा क्या होता है, वेट वॉल्यूम होता है। और मिलाने से पहले जो बालू अलग रहता है, कंक्रीट एग्रीगेट अलग होता है, हाँ, और बाद में कि सीमेंट अलग होता है और पानी अलग अलग होता है, तो वो हमारा क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम होता है हमारा दोस्तों। तो हम क्या होते हैं, 54% हमारा क्या होता है, मोर देन वेट वॉल्यूम होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम इज 7.5 क्या था हमारा टोटल, ये टोटल वॉल्यूम था कॉन्क्रीट का दोस्तों यहाँ पर देख से। तो फिर हम क्या ड्राई वॉल्यूम हम निकालेंगे जब, तो 54% हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 × 1.45 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.55 मतलब 11.55 ये क्यूबिक फीट निकाला हमारा, ये क्यूबिक फीट निकल गया। उसके बाद फिर हम चलेंगे दूसरा देखेंगे। तो फिर हम देखते हैं कि जो हम ग्रेड इस्तेमाल किए, M20 ग्रेड इस्तेमाल किए, लेकिन उसके बाद फिर हम सीमेंट, अब आप देखेंगे सीमेंट निकालेंगे। सीमेंट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि सीमेंट बाय पार्ट्स, ये जो हम M20 ग्रेड इस्तेमाल करते हैं, ये जो ये पूरा है इसको सबको जोड़ के जो होता है वो हमारा पार्ट्स निकलता है, और इनटू ड्राई वॉल्यूम,
इंटू ड्राई वॉल्यूम को हम गुना करते हैं। तो चलिए हम देखेंगे, ये सीमेंट क्या है, सीमेंट एक पार्ट है, तो एक बाई ये पूरा पार्ट, ये जो ग्रेड है हमारा M20 ग्रेड, उसका सम इनटू हमारा ड्राई वॉल्यूम। तो इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2.1 क्यूबिक फीट में हमारा निकलेगा, 2.1 क्यूबिक फीट निकला। तो अब हम इसमें से निकालेंगे इतना, तो क्यूबिक फीट निकल गया, हम क्यूबिक फीट तो आता नहीं है हमारा, सीमेंट आता है बैग में आता, तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग हम निकालेंगे, तो सीमेंट बैग निकालने के लिए तो हमारा जितना वॉल्यूम निकला क्यूबिक फीट निकला 2.1 को हम 1.23 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना होगा, बैग निकल जाएगा 1.70 बैग्स हो गया। अब ये दोस्तों ये क्या है, ये 1.23 ये क्या चीज़ है, हम आगे बताएंगे वीडियो में, दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। फिर जो हम देखेंगे 50 kg बैग का जो वॉल्यूम होता है वो 1.23 क्यूबिक फीट होता है। अब जो है ना ये हमारा निकला था 1.7 बैग जो हुआ था, तो उसमें कितना केजी होता है वो देखेंगे कि 1.7 इंटू हम 50 करेंगे, 50 केजी होता है एक बैग में, तो हमारा कितना 85 kg हमारा निकल गया। अब उसके बाद हम फिर देखेंगे सैंड जो हमारा बालू होगा इस कॉलम में, ये जो 10 फीट के हाइट का जो कॉलम है हमारा, तो उसमें हमारा कितना बालू लगेगा वो हम देखेंगे कि ये सैंड जो है यहाँ पे देखिए, ये M20 ग्रेड का जो ये 1.5 है वो यहाँ पे आ गया दोस्तों। देखिए कि 1.5 बाई ये टोटल, ये क्या है, ये टोटल हमारा M20 ग्रेड का सम है, ये इसका M20 ग्रेड का सम है, ये 1.5 इंटू ये ड्राई हमारा, ये क्या है, ड्राई वॉल्यूम है, तो उसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये कितना आएगा, 3.15 क्यूबिक फीट। ये तो टोटल को अगर हम गुना करेंगे तो टोटल हमारा कितना आया था, 3.15 क्यूबिक फीट हमारा निकल गया। ये कितना निकला इस कॉलम के लिए, 3.15 क्यूबिक फीट हमारा सैंड मतलब बालू निकल गया। अब एग्रीगेट देखेंगे, एग्रीगेट हमारा जो रेशियो में होता है, ये M20 रेशियो में ये 3 होता है, देखिए 1:1.5:3 होता है। तो ये अब हम यहाँ पे देखेंगे एग्रीगेट निकालने के इसमें पार्ट में कि 3 बाई ये हमारा पार्ट्स है किसका, M20 ग्रेड का ये पार्ट्स टोटल सम होता है, ये 1.5 इंटू हम ड्राई वॉल्यूम करेंगे, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6.29 क्यूबिक फीट हमारा 10 फीट के हाइट के कॉलम में, जो हमारा 9 इंच बाय 12 इंच और हाइट हमारा होता है जो 10 फीट हाइट होता है, इस कॉलम के साइज़ में हमारा एग्रीगेट टोटल एग्रीगेट कितना लगेगा, जो हम जिसको हम पत्थर बोलते हैं, छोटा सा कंकड़ बोलते हैं, वो हमारा 6.29 क्यूबिक फीट लगेगा। अब हम टोटल देखेंगे दोस्तों कि एक कॉलम में हमारा सीमेंट कितना लगता है और सैंड और पत्थर या एग्रीगेट कितना लगता है, टोटल देखेंगे दोस्तों कि एक कॉलम में सीमेंट का जो है ना मात्रा लगेगा 1.7 बैग्स लगेगा, तो 1.7 तो बैग्स तो आता नहीं है, तो अप्रॉक्स हम 2 बैग सीमेंट लगेगा और सैंड जो बालू लगेगा वो 3.15 क्यूबिक फीट लगेगा दोस्तों, ये देख सकते हैं। और एग्रीगेट क्या होगा, एग्रीगेट लगेगा 6.29 ये क्यूबिक फीट लगेगा दोस्तों। अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।